गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं विश्वजीत भटनागर, ज्ञान इंस्टीट्यूट फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूं। टेंथ क्लास के लिए इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं एमपी बोर्ड के, उनके लिए मैंने सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए ज्योग्राफी से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम। उसमें मैंने वेरी शॉर्ट आंसर बताए थे। आज मैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर जो 3 और 4 नंबर में आते हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो देखते हैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये वो है, वो वाली ये क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर, लास्ट मतलब 3 और 4 ईयर्स में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोइल इन ह्यूमन लाइफ, एक्सप्लेन। सोइल की क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन लाइफ में, उसको एक्सप्लेन करना है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज नेसेसरी, व्हाई। फॉरेस्ट का कंजर्वेशन मीन संरक्षण आवश्यक है, क्यों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल का एक डायग्राम भी दिया हुआ है आपकी बुक में, स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं तो वो इसका डायग्राम भी बना के देख ले, जिसमें 4 लेयर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द प्रोविजंस ऑफ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट प्रोग्राम। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट प्रोग्राम के प्रोविजंस इसमें राइट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या होती है, मींस मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है ये, इसको भी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज कलेक्शन ऑफ रेन वाटर नेसेसरी। पानी का जो कलेक्शन होता है, रेन वाटर का जो कलेक्शन होता है, वो आवश्यक क्यों है। नेक्स्ट यही क्वेश्चन एक तरह से और आ सकता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज नेसेसरी, व्हाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज सोशल फॉरेस्टी स्कीम। सोशल फॉरेस्टी स्कीम क्या होती है, ये भी आया है पिछले कुछ सालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। रबी और खरीफ की जो फसल होती है उनमें क्या डिफरेंस होता है, इस क्वेश्चन में ये बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन। हिंदी में इसको हरित क्रांति बोलते हैं, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, इसका मतलब बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाइट एंड येलो रिवॉल्यूशन। व्हाइट और येलो रिवॉल्यूशन में डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई इज छोटा नागपुर प्लेटिट्यू कॉल्ड मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड, एक्सप्लेन। छोटा नागपुर प्लेटिट्यू को मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहते हैं, एक्सप्लेन करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर। डिजास्टर मींस आपदा का क्या मतलब है, वो बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लोइटेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल डिजास्टर। मींस जंगलों को जो काटा जा रहा है तो नेचुरल डिजास्टर उनसे किस तरीके से होती है, इस पर यह बताना है। इट इज ट्रू, क्या यह सही है, एक्सप्लेन करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज मीन्ट बाय डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है इसमें, इसका मतलब बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, राइट व्हाट इज ड्राउट एंड फ्लड। ड्राउट एंड फ्लड के बारे में इसमें राइट करना है, क्या होता है ड्राउट एंड फ्लड। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज सुनामी। सुनामी क्या है, डिस्क्राइब द मेन कॉसेस ऑफ सुनामी। इसके कॉसेस मींस कारण लिखने हैं सुनामी के। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसको आप जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, राइट एनी 4 नेचुरल डिजास्टर। 4 जो नेचुरल डिजास्टर है मींस प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनके बारे में इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17, राइट एनी 3 नेम्स ऑफ खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। रबी और खरीफ की जो क्रॉप्स हैं उनके नाम लिखना है, 3-3 नाम दोनों के। क्वेश्चन नंबर 18, राइट एनी 3 मेडिसिनल यूजेस ऑफ नीम। नीम के जो मेडिसिनल यूजेस हैं, इस पर वो राइट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सजेस्ट एनी 4 मेजर्स टू कंट्रोल फ्लड। फ्लड को कंट्रोल करने के लिए कुछ सजेशन लिखना है इसमें, 4 सजेशन। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज पिंक रिवॉल्यूशन मींस गुलाबी क्रांति क्या है, इसके बारे में लिखना है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही, आपके लिए हम फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ खास जानकारी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए अपना फीडबैक। अब दे हमें इजाजत, नमस्कार।